टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पबजी गेम खेलने में एक नाबालिग लड़के ने अपने माँ के बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। जब इसके बारे में उसके माँ बाप को पता चला तो लड़के को डांट फटकार लगाई गई और लड़का घर से नाराज होकर चला गया। ये पूरा मामला मुंबई के जोगेश्वरी इलाके का है, जहाँ 16 साल के एक लड़के में पबजी की दीवानगी इस कदर थी कि वो पबजी का आदि बन गया था। और इस ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान ये लड़का अपने माँ के बैंक अकाउंट से करीब 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, जिसकी वजह से लड़के के बाप ने लड़के को डांट फटकार लगाई तो लड़के ने घर में एक नोट लिखकर छोड़ दिया, जिसमें उसने लिखा था अलविदा, अब वो घर वापस नहीं आएगा। लड़के के माँ बाप ने जैसे ही उसके बेटे द्वारा छोड़े गए नोट उन्हें मिला, उन्होंने फौरन MIDC पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और इंस्पेक्टर महेश कुमार के नेतृत्व में अपराध शाखा की एक टीम ने तकनीकी निगरानी के आधार पर अंधेरीपुर में महाकाली इलाके में इस लड़के का पता लगा लिया। पुलिस ने लड़के को बड़े ही प्यार से समझा बुझा कर वापस लाया और माँ बाप को सौंप दिया गया है। वहीं माँ बाप को भी सलाह दी गई है कि लड़के से कुछ भी ना कहें, उसे डांट फटकार ना लगाएं। हालांकि परिवार के पास जो भी जमा पूंजी थी वो पबजी में उड़ जाने के बाद परिवार के लोग काफी दुखी हैं। 16 साल के लड़के की मिसिंग केस रजिस्टर हुई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन यूनिट 10 कर रही थी। इस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि इस लड़के को पबजी खेलने की बहुत ही ज़्यादा आदत ही थी और इस गेम का आईडी और यूसी खरीदने के लिए समय समय पर इसने खुद उसके पेरेंट के अकाउंट से 10 लाख रुपए की रकम निकाली। जब पेरेंट्स को ये पता चला कि इतनी बड़ी रकम निकाली गई है तो उसको थोड़ा सा डांटा गया। फिर ये जो बच्चा है वो घर में एक लेटर छोड़ के घर से निकल गया, जिसमें ये लिखा गया था कि मैं अब घर वापस नहीं आऊँगा। तो इसका सीरियसनेस देखते हुए यूनिट 10 ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया और इस बच्चे को उसी एरिया में ट्रेस आउट किया गया। फिर उसका काउंसलिंग भी किया गया और काउंसलिंग के बाद उसके परिवार से उसको मिला गया। सिर्फ 10 में इन्वेस्ट किया था, 10 लाख की ये उसने टाइम टू टाइम खरीदा है, आईडी और यूसी की जैसे जैसे जरूरत पड़ती थी उसके लिए खर्च किया है और ये ओवर द पीरियड किया गया खर्च है। लेकिन उसके पेरेंट्स को ये इतना सब खर्च होने के बाद आखिर में पता चला आया, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है। इसमें ये जरूर कह सकते हैं कि वो पबजी गेम के लिए एडिक्ट हो चुका था और उसी कारण से इतनी बड़ी रकम उसने खर्च की है और ऐसे केसेस में प्रॉपर काउंसलिंग की बहुत ही जरूरत महसूस हो रही है।